आरआरआर मूवी की ये बात आपने नोटिस नहीं किया होगा, हम आ गए हैं आपको कुछ हिडन डिटेल्स बताने के लिए। नंबर वन, जैसे कि हम जानते हैं राम फायर है और भीम वाटर है। इस सीन में हमें पानी के बकेट में फायर लिखा हुआ दिखता है जो राम के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। नंबर टू, आप लोगों ने ये बात नोटिस किया होगा मगर फिर भी हमें लगा ये शायद काफी को पता नहीं होगा, जब हम भीम को पहली बार देखते हैं वो अपने बॉडी के ऊपर खून लगाता है ताकि भेड़िया उसे सूंघकर उसको खाने आ सके। नंबर थ्री, भीम ने दौड़ते वक्त ही शेर के पैरों के निशान देख लिया था जिससे वो चौकन्ना रहता है और शेर को टैकल कर सकता है। नंबर फोर, इस सीन में हमें बच्चे को बचाने के लिए राम एक झंडा भी साथ में ले जाता है, ये इसलिए क्योंकि पानी में गीला करके भीम को देना था ताकि भीम भी आग से बच जाए। राम का दिमाग काफी तेज चलता है। नंबर फाइव, उसके बाद ये काफी ने नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि ये सीन सब लोग इंजॉय कर रहे थे। इस सीन में जब राम और भीम साथ हो जाते हैं तब पानी के अंदर हम आग भी देख सकते हैं क्योंकि भीम वाटर है और राम फायर, और जब दोनों मिल जाते हैं तब फायर और वाटर साथ में देख सकते हैं। नंबर सिक्स, जब भीम मल्ली को बचाने के लिए पैलेस में अटैक करता है तब हमें पता चलता है कि वो जंगल में जानवर को कैद क्यों कर रहा था। नंबर सेवन, और जब अटैक करता है तब वो अपने हाथ में आग इसलिए पकड़ता है ताकि जानवर उसे हमला ना कर पाए और वो मल्ली को बचाने के लिए फोकस्ड रहे। नंबर एट, फिर भीम और राम के फाइट में हमें फायर और वाटर का कॉम्बो फिर से देखने को मिलता है जब भीम पानी से वार करता है और राम आग से। क्या सीन था। और नंबर नाइन, राम ने इस सीन में भीम के पैर में बंधे हुए चेन को इसलिए खींचा ताकि भीम घुटने पर गिर जाए और उसे मारना न पड़े। ये काम उसने मारते हुए किया ताकि किसी को शक ना हो। अगर आपको इस फिल्म की ऐसी डिटेल्स का पार्ट 2 चाहिए तो लाइक करिए।